हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो स्वागत करते हैं डियर आराधना की दुनिया में। अभी सुबह का बज रहा है 4:30 और हम उठ चुके हैं। सुबह का 4:30 हो रहा है और मेरा गला का आवाज़ देख ही रहे होंगे, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। तबीयत भी कल से फीवर है मेरा, लेकिन दवाई खा रहे तो थोड़ा ठीक है। तो अभी देखिए बच्चे लोग, चिकू रानी तो मेरे पास होती है, देखिए ऐसा करके देख रही है, और वहाँ सब सोई हुई है। और हम अभी कर रहे हैं, यह सब कल रात में ही काट के रख दिए थे, गोभी और बीन्स और आलू अभी छील रहे हैं, और खीरा रायते के लिए, खीरा का रायता बनाएंगे। और ये सब अभी मेरी, आज हम कहीं जाने वाले हैं तो दिखाएंगे कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन ये सब फरमाइश की है मेरी दीदी की बेटी लोग कि आप क्या बोलता है भेज बिरयानी लेके आइएगा। तो भेज बिरयानी रहेगा तो रायता नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए खीरा का रायता बनाएंगे। और ज़्यादा बड़ा मतलब कुछ सामान नहीं है ले जाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा ही बना के ले जाएंगे। जो भी होगा थोड़ा थोड़ा ही खाएगी, लेकिन क्योंकि बड़ा बड़ा टिफिन हमारे पास है नहीं, एक छोटा सा टिफिन है तो उसी में रायता जाएगा, बाकी ये इसको किसी तरह एडजस्ट करके जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए दो कुकर में बिरयानी बना रहे, क्योंकि एक कुकर में तो होगा नहीं, दो जगह चावल सारा चीज़ दो दो जगह करके रखे हैं, क्योंकि एक कुकर में नहीं होने वाला, थोड़ा सा छोटा मेरा कुकर है ना, तो इसके कारण आ गया है। इसमें पानी भी डाल दिए हैं, थोड़ा सा घी डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें भी सारा चीज़ डाल दिए हैं, एक एक चम्मच घी डाल दिए। देखिए इतना ही दही जमने के लिए दिए थे, क्योंकि टिफिन छोटा है ना, तो इसके कारण इतना ही दही दिए थे। और देखिए दो खीरा काटे हैं, एक सेब काटे हैं, और धनिया पुदीना है, और दो कच्चा मिर्च, और इसमें नमक और गुलकी और मतलब काली मिर्च और जीरा का पाउडर है। तो अब सब मिला देते हैं। ये सारा सब्जी ही ज़्यादा हो गया और दही तो कम गया। अब दीदी के बोलते हैं फ़ोन करके, अगर दीदी के पास होगा तो लेती आएगी, नहीं तो अगर ट्रेन चढ़ गई होगी तो, लेकिन गड़बड़ हो गया, ये रायता कम ही तो सब्जी ज़्यादा लगता है। ओके, तो देखिए मेरी बिरयानी बन गई है, और लाइट फोटो में कैसा आ रहा है कलर। और ये है मंचूरियन जो मैम भेजी थी, और ये रायता है, थोड़ा सा दही कम गया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना है मेरा भेज बिरयानी। तैयार हो गए हैं। चिक्कू कराने का उस साइड सबको बंद किए हैं तो आवाज़ आ रहा है। और देखिए इसमें हम लिए हैं, बहुत भारी हो गया है, फिर चलते हैं तो दिखाते हैं। ये अगम कुआं का नज़ारा है बाहर का, और यहाँ है ये हनुमान मंदिर का बाहर का नज़ारा है, मतलब अंदर मंदिर में नहीं गए, बाहर में ही दीदी का इंतज़ार कर रहे थे महली वाली का। और देखिए यहाँ पे हम लोग राधा कृष्ण मंदिर, जिसको इस्कॉन टेंपल भी बोलते हैं शायद, तो यहाँ पहुँच गए हैं राधा कृष्ण मंदिर। और ये देखिए मेरी जीजाजी, दीदी और दीदी की बेटी और बेटा जा रहे हैं अंदर, और हम पीछे से हैं। और वो दीदी लोग, बड़ी वाली भाभी लोग, वह देखिए वहाँ जो वो मंदिर जैसा आती है ना, उसमें खड़ा है। और यह देखिए अंदर का नज़ारा, और यह दीदी की बेटी है जो सामने में खड़ी है, और ऊपर से वहाँ देखिए हाथ हिला रही, छोटा सा दिख रही होगी, वो बड़ी वाली दीदी की बेटी देख रही है। ये बाहर का नज़ारा है, मंदिर बहुत अच्छा था, पहली बार हम लोग गए थे, ये न्यू बना है पटना में, और हम लोग बहुत मतलब पहली बार यहाँ, मतलब हम सभी लोग पहली बार यहाँ गए हैं। और देखिए यहाँ पे हम लोग, या देखिए ये मेरे जिया जी हैं, वो दीदी की बेटी हाथ हिला रही है। और देखिए यहाँ का एंजॉय कीजिए, वीडियो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और मंदिर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मंदिर है, शांति मिलता है कुछ देर जाके, ठंडा के दिन में बैठने में यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। और अंदर का जो सीन है ना, वहाँ पे वीडियो और फ़ोटो लेने नहीं देता है, लेकिन कुछ लोग हैं, देखिए अंदर का नज़ारा है,
और कुछ लोग हैं जो जैसे हम भी थे, दूर से बोलता है ले सकते हो, लेकिन सामने वाला जो भगवान है ना, जो मेन मेन भगवान है, उनको नहीं लेना है। बाकी कहीं पे भी आप फोटो, जैसे वो हैं दूर से हम लिए हैं, लेकिन जो नज़दीक जा के नहीं लेने, सब वहाँ पे जो देखभाल करने वाले हैं वो सब मना करते हैं। तो बाकी ये सब जगह का वीडियो आप ले सकते हैं, लेकिन जहाँ मेन भगवान है वो नहीं ले सकते। वीडियो को एंजॉय कीजिए, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग आए हैं, सभी हैं, मतलब छोटी बहन की फैमिली नहीं है, छोटी बहन पूरी फैमिली नहीं आई है, और मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है, और छोटा भाई नहीं है, बाकी कुछ दो दीदी है, भैया भाभी है, उनके बच्चे, दोनों तीनों के बच्चे हैं, और हम हैं यहाँ पे इंजॉय करने के लिए हम लोग आए हैं। पटना सभी अलग अलग साथ में, इस बार फर्स्ट बार हम लोग साथ में आए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।